देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा सीहोर पहुंचे, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रभात झा ने बताया कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा ने 150 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और जनता का आशीर्वाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को अच्छा खासा मिल रहा है। इस दौरान झा ने कहा कि जो जितने की हैसियत रखते हैं उन्हें सिर्फ भाजपा का टिकट मिलेगा। जब प्रभात झा से गुजरात में हो रहे हिंदी भाषियों पर हमले के बारे में पूछा गया तो प्रभात झा का जवाब आश्चर्यजनक था। झा ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक राष्ट्रीय मुद्दे पर जिसमें तकरीबन 10 लाख से अधिक हिंदी भाषियों को प्रभावित किया है, रोजाना तकरीबन हर छोटे बड़े न्यूज़पेपर इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, इस खबर को छाप रहे हैं, वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दे के बारे में जानकारी ना होना अपने आप में आश्चर्यजनक की बात है। और सो के उठा हूँ, उपवास है, इस चक्कर में सीधे भक्के में हार। मैंने समाचार देखा नहीं, गुजरात में जो चल रहा है ना, तो मैं देखा ही नहीं। तीन चार दिन से चल रहा है, मैं झूठ बोली बड़ी नहीं देखी था, नहीं मैं तैयारी में लगा था, हमें शादी के तीन चार दिन से उधर ही था। खबर समय जगत के लिए सीहोर से कमल पांचाल की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।